हेलो फ्रेंड्स, मावी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं वेज स्प्रिंग रोल। ये बनने में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप बाहर के खाने भूल जाएंगे। इसलिए आज हम आपके साथ रेसिपी शुरू करते हैं। लेती हूँ एक परात, वो परात में मैं डालूंगी 1.5 कटोरी मैदा। आप मैदा की जगह आटा भी ले सकते हैं। एक कटोरी डाल दी है और आधी कटोरी ये है, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और इसमें मिलाऊंगी मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। सो चुका है, अब मैं पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करूंगी, इससे कि हमारे स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बने। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, अभी हमारा ये डो चिपक रहा है हाथ में, मैदा चिपकती है, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा इसमें हाथ में ऑयल डाल के और इसको चिकना कर लूँगी। मसलते हुए थोड़ा चिकना कर लूंगी इस तरह से। अब 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो हमने एक पैन रख दिया है, उसमें मैं 2 चम्मच करीब मैंने ऑयल डाला है। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन और अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखा था। हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा इनका पानी मर जाए, हल्का हल्का इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, इस तरह से मुझे इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज मैंने लंबा लंबा काटे, मैंने सारी सब्जियाँ लंबी लंबी ही काटी हैं। थोड़ा सा चलाते हुए अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी कैप्सिकम, ये मैंने लंबा लंबा काटा है, एक कैप्सिकम मैंने काट के इसमें डाल दिया। अगर आपके पास और भी अलग अलग कलर के हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दिया है, वो भी मैंने पतला पतला लंबा काटा है। ये कुछ बीन्स हमारे यहाँ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। अगर आपके पास और सब्जियाँ हों जो आपको पसंद हो, आप उसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच डालूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा चलाते हुए मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, वो मैंने इसी में डाल दिया, मुझे ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है टमाटर सॉस। टमाटर सॉस भी इसमें ऐड कर दूंगी, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बस इसको उलट पलट करके बस मुझे 1 मिनट पकाना है। तो देखिए, हमारी फिलिंग बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पानी भी इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बन गए हैं हमारे। और अब मैं लूँगी 1 कटोरी, इसमें मैंने डाली है मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक घोल बना के तैयार कर लिया है। और अब मैं देखती हूँ अपना ये मैदा, तो मैदा भी हमारा लगभग सेट हो चुका है। थोड़ा सा मसल के इसको
बेलने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा पोर्शन काट के इसमें से लोइयां बना के तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा मैदा सूखा डालते हुए इसकी लोइयां काट लूँगी। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं रखनी है, इस तरह से पेड़ा बना के तैयार करके इसको बेलेंगे। तो हम मैदा से इसको डस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैदा हमारा थोड़ा सा गीला है, इसलिए सूखा मैदा लगा के हम इसको एक पूड़ी की तरह बेल के तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है मुझे, इतनी काफी है। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ऐसे ही और भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने तीन पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। अब पहली पूड़ी में हम ऑयल लगाएंगे, इस तरह से पूरे में फैला देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी मैदा डस्ट कर दूंगी और उसको भी अच्छे से फैला दूंगी। अब इसके ऊपर मैं दूसरी पूड़ी रखूंगी। कोई प्रोसीजर हमें इसमें भी करना है, ऊपर से ऑयल डालना है पहले और अच्छे से फैला देना है। मैं ये तीसरी पूड़ी इस पर रख देती हूँ। थोड़ा सा दबाते हुए मैदा से डस्ट कर लूंगी और इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं उतनी बड़ी बेल के तैयार कर लेती हूँ। इससे हमारी सीट बहुत अच्छी निकलेंगी। देखिए मैंने कितनी पतली बेल के तैयार कर ली है और गैस पे मैंने तवा रख दिया है। ऐसी मैं दूसरी पूड़ी भी बेल के तैयार कर लेती हूँ। देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है और इस पे मैं इस शीर्ष वाली पूड़ी बेल के इसमें डाल दी है मैंने और इसको हल्का हल्का सेकूंगी। बिल्कुल हल्का, मुझे ज़्यादा नहीं सेकना है। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे उलट पलट करके मैं सेक लेती हूँ इसको। एक हमारी तैयार हो चुकी है, मैं दूसरी भी इसमें इस तरह से ही सेकूंगी। तो देखिए हमारी ये सिक चुकी है और मैं इसमें से सीड्स निकालूंगी। तो देखिए किस तरह से बड़ी आसानी से निकल जाती है। एक देखिए किस तरह से निकल चुकी है और मैं दूसरी भी निकाल लूंगी। देखिए हमारी एक पूरी में से तीन सीट्स निकल के तैयार हो चुकी हैं, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। और ऐसी में दूसरी वाली भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारी ये सीट्स निकल चुकी हैं और मैं अब इसके रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो इसमें मैं फिलिंग को भरूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, एक से डेढ़ चम्मच इसमें हम लंबे लंबे में इस तरह से भर देंगे। इसका रोल तैयार करती हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से रोल कर दूंगी और बगल से भी मैं इसको इस तरह से मोड़ दूंगी। देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। और जो मैं
मैंने पेस्ट बनाया था मैदा वाला, वो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जिससे कि हमारे रोल अच्छे से चिपक जाएं। और जब हम ऑयल में इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल ना खुले। तो देखिए अच्छे से मैंने इसमें मैदा ये लगा दिए मैंने, और अब मैं इसको रोल कर लूँगी। तो देखिए हमारा रोल बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम बाकी के बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने रोल बना के तैयार कर लिए हैं, एक बार में हम चार सेंक लेंगे। तो मैंने यहाँ पैन रख दिया था, ऑयल भी डाल दिया था, और ऑयल मुझे ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, अभी बिल्कुल मीडियम में ही हमें इनको सेंकना है, नहीं तो हमारे रोल में बबल्स उठ जाएंगे। और बाद में मैं गैस को थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। तो अब मैं इसको धीरे से पलट लेती हूँ। देखिए थोड़े थोड़े ये सिकने लगे हैं। बस इस तरह से हम उलट पलट करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ चुका है। और अब ये हम बाहर निकाल लेंगे इनको, इस तरह टिश्यू पेपर लगा के। और देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ, इनकी आवाज आप सुन सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।